Children, today I am going to teach you chapter 8, A Game of Chance. Everyone open your book. Point 1. Every year, on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. हर साल ईद के त्यौहार के मौके पर बहुत बड़ा मेला लगता है हमारे गांव में। ईद तो सिर्फ एक दिन होती है, लेकिन मेला बहुत दिनों तक चलता रहता है। बहुत से व्यापारी आते हैं दूर दूर से और कई कोनों से, और अपने सामान, कई तरह के जो सामान उनके पास होते हैं वो बेचते हैं। एवरीवन टर्न द पेज To sell, you could buy anything from a small pin to a big buffalo. व्यापारी के पास सामान जो होते हैं उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, एक छोटी सी पिन से लेकर एक बहुत बड़ी भैंस तक। Number 2, Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There was a big crowd at the fair. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. They wanted him to spend some time with them. Uncle हम लोगों को मेले लेकर गए थे। भैया जो कि हमारे घर पे काम करता है वो भी हमारे साथ था। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। Uncle हम लोगों के साथ साथ चल रहे थे। उन्हें भीड़ में अपने कुछ दोस्त दिखाई दिए और वो दोस्त हमारे चाचा मीन्स मेले के साथ मीन्स हमारे अंकल के साथ अपना समय बिताना चाहते थे। नंबर 3, अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। आई प्रोमिस डैट आई वुड वेट फॉर हिम। अंकल ने बताया कि मैं मेले देखने जा सकता हूँ, चारों तरफ घूम सकता हूँ भैया के साथ, जब तक कि वो वापस ना आ जाए, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त के साथ जाना था। मैं बहुत खुश था ये सुनकर कि मैं अकेले भैया के साथ मेला देखने जाऊँगा। अंकल ने मुझे ये बताया था कि जब भी आप मेले घूमने जाएं तो वहाँ से कुछ भी ना ख़रीदें और ना ही बहुत दूर जाएं। मैंने उनसे ये वादा कर लिया था कि हम आपका वेट करेंगे और यहीं कहीं टहल लेंगे। नंबर 4, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, ही वाज अ मिडिल एज्ड मैन। ही सेकंड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक। देयर वर डिक्स on the table with numbers from 1 to 10 facing down. All you had to do was to pay 50 paise, pick up any 6 discs, add up the numbers on the discs and find the total. The article marked with that number was yours. भैया के साथ स्पीकर कह रहे हैं, मैं भैया के साथ शॉप से शॉपिंग्स दुकानों पे जाने लगा था और वहाँ मैंने बहुत सी चीज़ें देखी जिसे मैं पसंद किया मैंने और उसे ख़रीदना भी चाहा, लेकिन मैं अपने अंकल का इंतज़ार कर रहा था उनकी वापसी का, क्योंकि जब वही आएंगे तभी मैं कुछ चीज़ें ख़रीद सकता था। फिर हम लोग शॉप्स पे घूमते घूमते एक ऐसी शॉप पे आ गए जिसका नाम था लकी शॉप, भाग्य आजमाओ शॉप। द शॉपकीपर बहुत ज़्यादा ना बूढ़ा था ना बहुत यंग था, वो एक मिडिल एज का आदमी था। ना बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट था और ना बहुत ज़्यादा लेज़ी था, आलसी भी नहीं था और ना बहुत ही एक्टिव था। वो ये चाहता था कि सारे लोग उसकी दुकान पे आएं और अपना भाग्य आजमाएं। उसने टेबल पे डिस्क रखे हुए थे जो नंबर्स उस पर लिखे हुए थे और पैसे जो हैं 50 पैसे लगते थे इसको खेलने के लिए, और जो टोटल नंबर आ जाते थे उस नंबर का जो भी आर्टिकल या सामान रहता था वो द आर्टिकल मार्क विद डैट नंबर्स वॉज योर्स मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर
डिस्क खेलने से आ जाता था टोटल करने पे, उस नंबर का जो भी सामान उस दुकान पे रखा होता था वो जीतने वाले को मिल जाता था। कम ऑन नंबर 5 पॉइंट, एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। ही वॉज गिवेन द आर्टिकल मार्क्ड हेयर। एक बूढ़ा आदमी था जिसने 50 पैसे पे किए थे और उसने 6 डिस्क वहाँ से उठा लिया था। उसने ऐड किया था और नंबर को और टोटल उसका 15 आ गया था। एवरीवन टर्न द पेज। ही वॉज गिवेन द आर्टिकल मार्क 15 विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक। द शॉपकीपर ऑब्लिजेड हिम बाई बाइंग इट बैग फॉर 15 रुपीज़। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लेज्ड। उस बूढ़े का जो आदमी था, उस बूढ़े आदमी का 15 नंबर आया था और उस 15 नंबर में उसे एक खूबसूरत सी घड़ी मिल गई थी। लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था वो घड़ी नहीं चाहता था, तो उसने शॉपकीपर के कहने के अनुसार उस घड़ी को वापस दे दिया 15 रुपये में और 15 रुपये लेकर चला गया। और वो बहुत खुश था कि उसने 15 रुपये जीता है। नंबर 6। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। ही गॉट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. एक छोटा बच्चा जो कि मुझसे थोड़ा ही छोटा था, उसने भी अपने भाग्य आजमाए। उसने अपने भाग्य आजमाए और वो एक कंघा जो कि 25 पैसे का था जीत चुका था। लेकिन शॉपकीपर के चेहरे पे ना बहुत दुखी थे और ना बहुत खुश था। मीन्स शॉपकीपर ना बहुत खुश था ना बहुत दुखी था। उसने वो कंघा वापस उस बच्चे से 25 पैसे में ख़रीद लिया शॉपकीपर ने और उसे 25 पैसे दे दिए। बच्चे ने दूसरी बार अपने भाग्य को आजमाया और उसने एक फाउंटेन पेन जीता जो कि 3 रुपए का था। फिर उसने तीसरी बार अपना भाग्य आजमाया और उसने रिस्ट वॉच यानी कि हाथ की कलाई की घड़ी जीती जो कि 25 रुपए की थी। और फिर उसने एक बार ट्राई किया अपने चांस तो उसे टेबल लैम्प मिला जो कि 10 रुपए का था। बच्चा बहुत ही खुश था। उसने सारी चीज़ों को दुकानदार को वापस कर दिया और उसके बदले उसने कैश ले लिया। नंबर 7। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। आई लुक्ड एट भैया। ही इनकरेज मी। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। माई लक वॉज नॉट टू गुड। आई गॉट 2 पेंसिल्स। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। आई ट्राइड अगेन। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। स्पीकर कह रहे हैं यहाँ उन्होंने भी अपनी लक आजमाई। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी लक क्यों ना आजमाऊँ, वो चाहते थे। तो फिर उन्होंने भैया को देखा। स्पीकर ने भैया जो उनका नौकर था और उनके साथ था, भैया ने उन्हें इनकरेज किया कि हाँ क्यों नहीं, तुम भी कुछ खेल सकते हो। तो उन्होंने फिर 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उठाई। लेकिन स्पीकर का लक इतना अच्छा नहीं था जितना वो चाह रहे थे। उन्होंने 2 पेंसिल जीती जो कि 25 पैसे की थी। शॉपकीपर ने वो पेंसिल वापस ले ली और उन्हें 25 पैसे दे दिए। फिर उन्होंने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं अपनी लक। तो फिर उन्होंने एक बार और अपनी लक को आजमाया और एक इंक की बॉटल ली। इस बार भी उनकी लक बहुत ही अच्छी नहीं थी, एक बहुत सस्ती वैल्यू की इंक की शीशी थी। उसके बाद द शॉपकीपर बॉट द टू फॉर 25 पैसे। उसने दोनों के 25 पैसे ले लिए, मीन्स वापस सामान ले लिया और स्पीकर को 25 पैसे दे दिए। उन्होंने फिर तीसरी टाइम भी स्पीकर ने अपने लक आजमाई लेकिन फिर भी वो वहीं पे फंसे रह गए। मीन्स उन्हें कुछ अच्छी वैल्यू का सामान नहीं मिला था
नंबर 8, आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन पेइंग 50 पैसे ईच टाइम बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रफल. मीन्स बहुत ही अच्छा उन्हें नहीं मिला. हर बार उन्होंने 50-50 पैसे दिए खेलने के लिए लेकिन उन्हें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला. वो चाहते थे कि कुछ अच्छा बड़ा प्राइज़ मिले इसीलिए वो लगातार खेलते रहे लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ. एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे. अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस. आखिर में उन्होंने सिर्फ 25 पैसे से ही खेलना छोड़ दिया और शॉपकीपर ने अपना एक दया वाला रूप उनके ऊपर दिखाया और उन्हें वो 25 पैसे दिए और बताया. ही सेड आई कुड आइदर प्ले. टर्न द पेज चिल्ड्रेन, एवरीवन टर्न योर पेज. ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर. आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपीयर्ड. दुकानदार को उनके ऊपर दया आ गई. उन्होंने दुकानदार ने स्पीकर से कहा कि चलो एक बार तुम और खेलो, कोई बात नहीं, तुम 50 पैसे के डिस्क मत लो, तुम 25 पैसे ही दे दो और उसमें तुम एक बार और अपने लक को आजमाओ. मैंने ऐसा ही किया जैसा दुकानदार ने मुझे बताया और लास्ट में मुझे यह है बिल्कुल निराशा हुई कि मेरे जो 25 पैसे थे वो भी गायब हो गए. नंबर 9, People were looking at me, some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy. Bhaiya and I went to the place where uncle had left us and waited for him to return. Presently he came, he looked at me and said, Rashid, you look upset, what is the matter? Yahan pe log speaker ko dekh rahe the aur hans bhi rahe the lekin kisi ne sympathy nahi dikhai. उसके बैड लक पे हंस रहे थे अगल बगल के लोग लेकिन किसी ने उनको हमदर्दी नहीं दी. भैया और वो वापस स्पीकर भैया के साथ वापस उसी जगह पे आए जहां अंकल उन्हें छोड़ के गए थे और वहां उनका इंतज़ार कर रहे थे. जैसे ही वो वहां दिखे उन्होंने पूछा, रशीद आपको कुछ हुआ है, कोई मैटर है, आप इतने दुखी क्यों नज़र आ रहे हैं? उन्होंने स्पीकर से पूछा, यानी बच्चे का नाम यानी स्पीकर का नाम रशीद है और अंकल उनसे पूछ रहे हैं, रशीद बेटा आप इतने दुखी क्यों नज़र आ रहे हैं, आपके साथ कुछ हुआ है? नंबर 10, आई डिड नॉट से एनीथिंग. भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड. ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी. ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ टर्न द पेज चिल्ड्रेन ब्यूटिफुल अम्ब्रेला बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स. देन वी रिटर्न होम. अगेन गो बैक ऑन योर पेज नंबर 10 पॉइंट. कम ऑन नंबर 10 पॉइंट. स्पीकर ने उनसे कुछ नहीं कहा लेकिन भैया ने उन्हें सारी कहानी सारी चीज़ें बता दी थी कि क्या हुआ था स्पीकर के साथ यानी रशीद के साथ. अंकल बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं थे और बहुत गुस्सा भी नहीं थे. वो बस मुस्कुराए और उन्होंने मुझे एक दुकान पर लेके गए. मीन्स रशीद को एक दुकान पर लेके गए थे और वहाँ से उन्होंने चिल्ड्रेन टर्न द पेज एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला ख़रीदा, बिस्किट्स लिए, मिठाइयाँ ली और बहुत से छोटे गिफ्ट लिए और वापस घर आए. नंबर 11, बैक होम अंकल टोल्ड मी डैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी. नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक. नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक. बट अंकल, आई सेड, I saw an old man getting a clog and a boy getting 2 or 3 costly things. You don't know, child, uncle said. They were all friends of all of the shopkeeper. They were playing tricks to tempt you to try your luck. They wanted your money and they got it. Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. Children, yahan pe keh rahe hain ki jab uncle sab bhaiya aur speaker sab wapas ghar aaye to अंकल ने मुझे बताया कि वो लकी शॉप ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था. तो मैंने कहा, नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बदकिस्मती है. तो अंकल ने मुझे समझाया कि कुछ भी बदकिस्मती या खुशकिस्मती नहीं होती है. ये अंकल बता रहे थे कि ये कोई भी लक का काम नहीं है. लेकिन मैंने उनसे कहा, नहीं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक बूढ़े आदमी ने क्लॉक जीती और एक बच्चे ने 2 और 3 बहुत महंगे चीज़ें भी जीती थी.
फिर अंकल ने मुझसे बताया, तुम नहीं जानते हो, वो सब जो शॉपकीपर के फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, और बाद में उन्होंने वो सारी चीज़ें वापस कर दी थी। और ये सब दिखाने के लिए, कस्टमर को फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है, तुम ये नहीं जानते थे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओ और किसी से अपनी बेवकूफ़ी वाली बातें मत बताना।